कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान गांव अटोहा की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करने के विरोध में ग्रामीण पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते केजीपी एक्सप्रेस वे के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज का एग्जिट पॉइंट का काम भी रुका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। नेशनल हाईवे नंबर 2 के पास बसे गांव अटोहा के नज़दीक केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा था। एक्सप्रेस वे के कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे से गांव अटोहा को जाने वाले रास्ते को खोद दिया, जिससे वहां से ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया। रास्ते के खोदे जाने के बाद सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। एक्सप्रेस वे के अधिकारियों की तरफ से ग्रामीणों को बताया गया कि नेशनल हाईवे नंबर 2 में जहां से गांव अटोहा के लिए रास्ता निकाला जाता है, उसी रास्ते पर केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज का एग्जिट पॉइंट आता है, जिस कारण इस रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस रास्ते को बंद होने से उनकी करीब 6 किलोमीटर दूरी से चक्कर लगाकर गांव में आना पड़ेगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने रास्ते का काम बंद करा दिया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण पिछले 4 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ग्रामीणों से मिलने तक नहीं आया, न ही सरकार का कोई नेता ग्रामीणों से मिलने पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। धरने के कारण केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज का एग्जिट पॉइंट का काम भी रुका हुआ है। क्या नाम है जी आपका? रोहतास चौहान। रोहतास जी, आप कितना समय हो गया आपको यहाँ धरने पे बैठे हुए? आज 5वां दिन है। तो क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांग है कि हमारे जो गांव का मेन रास्ता है जो जीट रोड से मिलता है, वो NHAI ने जो KGP और KMP का जो लिंक रोड यहाँ टच हो रहा है, तो इन्होंने हमारे गांव का मुख्य जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। तो हमारी मांग है कि हमारे लिए कोई समाधान किया जाए। और ये कहते हैं कि आपको शुगर मिल या सिविल लाइन, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से देने की कह रही हैं। तो हमारे गांव में जो बहू बेटी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इतनी दूर जाने के लिए। हाँ, हमारा आज 5वां दिन है और सरकार की ओर से हमारे पास अभी कोई नहीं आया। उससे पहले तो हमारी बातचीत हुई है, ADC को दिया हमने, DC को ज्ञापन दिया है, SDM को दिया है, कमिश्नर को दिया है, CM को दे रखा है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में जो एक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे, इसका काम भी बंद पड़ा हुआ है? हाँ, वो हमने ही बंद किया हुआ है, समस्त ग्रामवासियों ने बंद किया हुआ है। तो आगे और क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति यही है कि जब तक हमारे गांव को कोई समाधान नहीं होता रास्ते के लिए, तो हम इस काम को चलने नहीं देंगे। और अगर प्रशासन कोई कदम उठाता है तो हम हाई कोर्ट से स्टे लेंगे या सुप्रीम कोर्ट, जहां तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमारी एक ही मांग है, हमारा या तो अंडरपास सीधा निकल जाए हम, या ऊपर कर पुल जैसा भी बनाओ हमारे यहाँ कर, और दूसरी जगह हम पसंद नहीं करेंगे, अपने यहीं से पसंद करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो क्या कुछ बातचीत इन 4 दिनों में आपकी हुई है किसी प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन अधिकारी अभी तक कोई नहीं है। वो ऐसे में रोड का काम भी बंद पड़ा हुआ है? वो हमने कर रखा है, जब तक रोड नहीं बन देंगे जब तक हमारा काम नहीं, रास्ता नहीं बनेगा।